और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ससुराल, अभी भी पहुंचे हैं। तो ये वंदना को अपना काम पड़ा हुआ है। क्या कर रही है वंदना? मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा रह गया, उसको कंप्लीट कर रही हूँ। और ये है पीछे, कौन है ये बेबी? एक बेबी क्या कर रही है भाई? हेलो, क्या बना रही है? पकवान बना रही है। अच्छे अच्छे, मैं आपको खाना बनाने में लेट हो जाती। ये तो बता रहे क्या क्या है पकवान, क्या क्या बना रही है? मैं बटर मशरूम बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद घूनी बनाऊंगी, उसके बाद ये पत्ते धो के रखे हैं मैंने, रुको मैं दिखाती हूँ। ये है सलाद के पत्ते। तो बस फिर आज बल्ले बनेंगे, और आज बनेंगे बल्ले टेस्टी टेस्टी, इसलिए मैं पहले से एडवांस में ही लग पड़ी हूँ कि लेट ना हो जाऊंगी। आज तो देवी और कुछ फ्रैंक होके बोल रही है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और आज है होली, सब सबके लिए हैप्पी होली। बहुत बहुत इंजॉय करो और एक दूसरे को रंग लगाओ। मैं भी देख रहा हूँ वंदना कहाँ पे, उसको मैं चुपके से ना रंग लगा दूंगा, क्योंकि जो अचानक में मजा है ना भाई, ढूंढते हैं उसको कहाँ पे है वो। अरे तो कपड़े डाल रही है यहाँ पे, देखा लगा थोड़े जी सारे खराब है, कलर चलिए, कलर कुछ नहीं है भाई। हैप्पी होली, कुछ नहीं है वो भाई, होली है आज। होली का होला ले लो, 2 रुपए तोला ले लो। आप सबको भी हैप्पी होली मेरी तरफ से, खूब रंग आपको लगा देती हूँ। आपको भी हैप्पी होली, सेम टू यू, सेम टू यू। ये लो, थोड़े गले मिल लो, ऐसे सेल्फी। आज है होली का दिन, और तो एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए, तभी मजा आया होली मनाने में। और देखते हैं आज दिन में क्या करते हैं, होली के दिन कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर मूड बना तो हम सबके घर में जाएंगे होली विश करने के लिए, देखते हैं अब आगे। तो इसलिए आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपके लिए अच्छी अच्छी व्यूज़ लेके आऊँगा। अब चलते हैं आगे मिट्टू को। मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू क्या कर रहे हो बेटे आप? पानी से खेल रहे हैं। ये पानी से खेल रहे हैं, ये देखो क्या क्या खेल रहे हो, ये देखो। और अभी पानी मत, मेरे ऊपर मत फेंकना पानी, आपको रंग लगाया था, थोड़ा सा रंग लगा लिया ऐसे। शाबाश, यहाँ पे कभी इधर भी करो, शाबाश। मिट्टू आओ, मिट्टू सबसे अच्छा बच्चा है। आप इधर 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 देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, शाबाश। मिट्टू को तो मैंने कहा था ना मैं पूरा लाल करूँगा। मिट्टू इधर आओ, इधर आओ, ऐसे मत करो, इधर आ जाओ जल्दी करो। अरे मिट्टू को मैंने कलर लगा दिया है। मिट्टू और ये सानी भी लगा दिया कलर, मेरे मुंह में सानी। हैप्पी होली, गले मिलो, गले मिलो, सानू सानू मुन्नू गले मिल रहा है। अब तो मिट्टू को पकड़ते हैं। मिट्टू कहाँ चले गए हैं? मिट्टू अबे भाग ही गए। वो देखो मिट्टू कहाँ, बोलो। हैप्पी होली, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो। शाबाश पापा मुन्नू, ये देखो मम्मा को लगा रहा था, मम्मा को आगे वाली साइड। और ये शानू लगा रही है मम्मा को, और उन्हें पूरे और लाल कर दिए है। मम्मा को भी लगाओ, मम्मा को भी। अब चल, मिट्टू ने नहीं लगाया अपनी मम्मा को, कैसा मिट्टू मम्मा को नहीं लगाया तूने कलर, जल्दी आ मम्मा को भी लगा दो। ओ देखो मिट्टू लगाने के जा रहे हैं, लगाओ लगाओ, वो जा रहे कलर लेने जा रहे हैं वहाँ से। वो कपड़े वहाँ डाले हुए हैं, जल्दी आओ, जल्दी 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 करो। मिट्टू इसलिए गया है, उसने ना मम्मा को कलर नहीं लगाया, पहले लगा लिया था, फिर जब बंदा ने बोला कलर वो लेके आ गया। और ये देखो, और इसने लाल गुलाबी कर हुए तो अब हम तुम दादा के पास चलते हैं। अब दादा भी अंदर सोए हैं, तो देखते हैं दादा क्या कर रहे हैं। दादा अभी तक उठे नहीं है, उठो डैडी, बैग गिरा दो, थोड़ा सा कलर है, थोड़ा सा। और ये डैडी सोए हुए हैं,
और ये हैप्पी होली। बस 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी उठेंगे ना ये, तब जाके ये देख सकते हो। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, चलो 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 बाहर आ जाओ बाहर बाहर। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज होली का दिन है, सबसे पहले आप लोगों को होली बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत तरक्की करो आप अपनी लाइफ में, और हर टाइप के एंजॉय करो आप लोग। और ये सरका घाट के पुराने बस स्टैंड में होली मनाई जा रही है, मैंने इसकी वॉल्यूम म्यूट की हुई है ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। और ये आप देख सकते हो बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सब इकट्ठे होके पुराने बस स्टैंड में। यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम हुए रस्सा टाइप मतलब कि, और लेडीज़ के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम थे। ये आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, और बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग पूरे बाज़ार के यहाँ पे इकट्ठा होके एक साथ होली मनाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो होली के बारे में चलो डैडी से पूछते हैं, होली क्यों मनाई जाती है? ये होली बहुत पुराना हमारा देश का त्यौहार है, इसको कल कई जगह होलिका का दहन कर दिया गया है, और आज होली पूरे देश में मनाई जा रही है। एक दूसरे को कलर लगाते हैं, देखो एक दूसरे से बड़ा मिलन का त्यौहार है, जिसको रंग से मलाया जाता है, रंग लगाया जाता है, आपसी गिले शिकवे दूर किए जाते हैं, और प्यार मोहब्बत से रहा जाता है, रहना चाहिए एक दूसरे को रंग लगा के। और आज सरका घाट में होली मनाई जा रही है, तो अभी हम भी वहाँ जाएंगे मार्केट में कि वहाँ पे मना रहे हैं कि नहीं मना रहे, लेकिन वहाँ तो शायद मना रहे होंगे अभी। पूरे शहर में मना रहे हैं, सारी जगह होली मना रहे हैं आज। तो बस आप भी बने रहे हमारे साथ में, फिर थोड़ा बहुत डांस वगैरह करेंगे आज हम वहाँ पे जाके बाजार में। चलो तो भाई होली का त्योहार हो गया खत्म, आप सबको अगेन बहुत बहुत बधाइयां होली की, और हैप्पी होली। और अभी हम मतलब होली खेल खाल के घर की साफ सफाई करके अभी पहुंच गए, मतलब दोबारा से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फंक्शन में जा रहे हैं। पता क्या, हर काम जरूरी होता है, फंक्शन भी जरूरी होता है, अटेंड करना। तो मतलब सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी में हुई ना कि बीच में आपके साथ बात कहीं भी कुछ भी बताना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। इवन मतलब मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया, साफ सफाई का काम एकदम से वहां से आए ना, इन्होंने बोला कि जल्दी कर, 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाइए। और आज होली इतनी अच्छी है कि आज मेरा फास्ट था, और होली के दिन मजा आ गया फास्ट के। इनका फास्ट है और हमने खूब इंजॉय किया। तो चलिए अब इंजॉय भी जरूरी है, और थोड़ा सा यार खतरा भी था, पर यहाँ पे तो सभी बिंदास होके खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भी यहाँ कोरोना वायरस या कुछ भी, लेकिन बीच बीच में थे कद का लोग जिन्होंने बहुत ही मतलब कपड़ा वपड़ा लपेट के, तो मैंने भी फिर ज़्यादा देर हम यहाँ पे नहीं रुके थे बच्चों के साथ, फिर हो जाता है ना थोड़ा सा सेफ्टी अपनी भी रखनी ही पड़ती है। और बस फिर अभी शादी में मिलते हैं आपसे, और शादी में बच्चों को डैडी जी को किसी को नहीं लेके आए, डैडी जी का तो मन ही नहीं था कहीं भी आने का, और बच्चों को इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि हमने बस झट से जाना है और आना है वापस, ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है, और मैंने उनको अभी तक पढ़ाया भी नहीं है कुछ, सारा टाइम मतलब मस्ती मजाक में ही चला गया है, तो बस ऐसा ही है। तो अभी हम जा रहे हैं शादी में, और दूल्हा तैयार है, बारात सज चुकी है, और बस जा कर के खाना वाना थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दिया, और शादी का व्यू भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बहुत लंबी वाली ये बैंड बैठी है, बैंड का मतलब कि खाना खाने के लिए बैठे हैं लोग, और अभी हम आए हैं तो ये बैठ चुके हैं, जब तक ये उठेंगे नहीं तब तक हमारी बारी नहीं आएगी, इसलिए हम वेटिंग लिस्ट पे हैं। तो जब तक हम वेटिंग लिस्ट पे हैं थोड़ा सा आपको यहाँ वहाँ का व्यू दिखा दें। तो ये देखिए ये लाड़ा साहब तैयार हो रहे हैं, कुछ रश्में चली हुई हैं मतलब अभी बारात चलने से पहले की। और अब ये चलिए दिखाते हैं आपको हिमाचली रसोई, मतलब कि यहाँ शादियों में इस तरह की रसोई लगाई जाती है, इसको बोलते हैं मांद, इसको खोद के यहाँ पर फिर लकड़ियों से ही सारी धाम प्रिपेयर की जाती है। ये हिमाचल का फेवरेट वाला मदरा, सारी डिशें आपको यहाँ पे देखने को, देख सकते हो आपकी कितनी चरोटियाँ लगी हुई हैं, जो अभी आपको दिखाया वो छोलिया था, मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की है, तो दोबारा से आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। अभी हमने फंक्शन में आए थे, तो ये अपना खास फ्रेंड है, ये संतोष है। तो यार एक्चुअली ना अब ये अपने आप ही बोलेगा थोड़ी, ये नहीं, नहीं, इसने बीटेक और एमटेक की हुई है, तो ना अभी ये लड़की सर्च कर रहा है ये,
तो इसको कोई अल्टीमेट मतलब अच्छी सी लड़की नहीं मिल रही है, अगर आपकी नज़र में हो तो प्लीज़ इसकी थोड़ी हेल्प कर देना। और अभी ये फंक्शन है यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम अभी आए हुए थे, तो एक्चुअली में बच्चों को घर में छोड़ के आए हुए हैं, तो इसलिए फटाफट जाने की सोच रही हूँ क्योंकि आज तो मेरा फास्ट है, तो हम तो खाएंगे नहीं। बंदा ने अभी थोड़ा पैक करा लिया है, घर में ही आराम से बैठ के खाएंगे। तो आप पीछे देख सकते हो, ये अगर इसके आपकी नज़र में होगा ना तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना। हाँ, कोऑपरेट करना। चलो ठीक है फिर। और अभी फंक्शन से आगे ना देखो, इतनी जल्दी आगे, जल्दी इसलिए आगे ना क्योंकि बच्चे घर पे छोड़े हुए थे और बच्चों के बिना ना अच्छा नहीं लगता खाना, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी खाना। और इनका फास्ट है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पैक ही करवा के घर पे ही खा लेती हूँ, तो टिफिन लेके आई थी भी मैं, बाकी आपको दिखाती हूँ फिर घर पे यार टिफिन का बना हुआ था। पता क्या टिफिन का ये यहाँ पे रिवाज काफी अच्छा है, अगर नहीं भी खाओ तो आप घर में बैठ के आराम से तसल्ली से अपने कमरे में बैठ के खा सकते हो। तो और घर में आप बच्चे हैं ना तो आप समझ सकते हो कि वो ज़्यादा रहते नहीं है, तो फिर बंदे ने सोचा कि यार फास्ट है मेरा, अकेले कैसे खाएगी यार, ये इतना तो ख्याल रखती ही रखती है, अब समझ सकते हो कि इतना तो होना भी चाहिए ना। और वैसे भी यार दिल नहीं लगना था उनके बच्चों के बिना, तो स्पेशली कभी भी नहीं मन ही नहीं करता, तो अब बस जल्दी से अब क्विकली पहुँच जाएंगे घर। अब देख लो हाथ मतलब हार्डली हमें 20-25 मिनट आए हुए हैं, तो हमने मतलब ज़्यादा रुके ही नहीं ना, ये है यही है। चलो फिर मिलते हैं फिर सरका घाट। और बस आज के ब्लॉग की यहीं पे समाप्ति करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए धन्यवाद।